मेरे मुल्क की बातों को तुझसे क्या इतना ही पढ़ा गया कि हम हिंदुस्तानियों को धर्म में बंटवारा कर दिया गया? अरे हमें तो फक्र है उस मुल्क पे, अरे हमें तो फक्र है उस मुल्क के जो खुलेआम हर धर्म जीने की आजादी देता है। वरना हमने तो देखे हैं वो मुल्क भी, वरना हमने तो देखे हैं वो मुल्क भी जहाँ शख्स अपने धर्म को अपने सीने में छुपा छुपा कर फिरता है। यहाँ मजलिसें बेफाम होती है, यहाँ कथाएं सरेआम होती है, यहाँ मजलिसें बेफाम होती है, कथाएं सरेआम होती है, नानक की गुरबानी पढ़ते हैं, यहाँ लंगर खुलेआम बढ़ते हैं, यहाँ मिलाद जुलूस निकलते हैं, शिवरात्रि पर रवाड़ी भी सजती है। मेरे मुल्क को तुम यूं ही बदनाम क्यों करते हो? मेरे मुल्क को तुम यूं ही बदनाम क्यों करते हो? क्या इस मुल्क का वो बंटवारे का पुराना जख्म तुम भर सकते हो? तो क्यों अपनी जहरीली बातों से जख्म पर नमक छिड़कते रहते हो? क्या इस देश में धर्म या शिकायत, धर्म की सियासतें या दंगल है तुम चाहते हो? अगर हाँ तो माफ करना, तुम हिंदुस्तानी कहलाने के तो बिल्कुल लायक नहीं हो। तुम हिंदुस्तान